तो ये संजय सिंह बाहर आ गए, आम आदमी पार्टी के नेता। कल से ही इस रिहाई केंद्र शो का इंतज़ार हो रहा था। कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था किस तरह से कोर्ट से रिलीज ऑर्डर पहुंच गए हैं तिहाड़ जेल, लेकिन जो ये प्रक्रिया थी इस पर कुछ घंटे का समय लगा। तमाम इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरा करनी थी, ये हम देख सकते हैं। संजय सिंह 6 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी रिहाई संभव हो पाई है। सुबह से ही ये कार्रवाई हो रही थी, नजरें थी कि कब संजय सिंह रिहा होंगे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत कि उनका ये नेता अब जेल से सलाखों के पीछे से बाहर आ गया है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। संजय सिंह फिलहाल जेल से बाहर निकल गए हैं। उनका जो रिलीज ऑर्डर था वो पहुंच गया था करीब 1.5 घंटे पहले। उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी हुई और जेल नंबर 5 के अंदर वो बंद थे और अब से कुछ देर पहले वो जेल के बाहर निकल गए हैं। और जैसा कि शरद बता रहे थे कि वो यहाँ से निकलकर सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, वहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। तो आज काफी अहम दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। और जिस तरह से कल से लगातार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से ऐसा लग रहा था कि उनकी जो रिहाई है वो कल हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ट्रायल कोर्ट आया, ट्रायल कोर्ट ने बेल की जो कंडीशन है वो तय की और फिर ट्रायल कोर्ट से उनका रिलीज ऑर्डर जो है तिहाड़ जेल गया। तिहाड़ जेल में जाने के बाद जेल नंबर 5 के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की, जिसमें जो जेल का रजिस्टर होता है उसमें साइन करने होते हैं और साथ में जो कैदी होता है उसकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं जेल के अंदर वो सब वापस करनी होती हैं। तो इस प्रोसेस में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा, 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। और उसके बाद जो संजय सिंह हैं वो फिलहाल जेल से आजाद हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में वो बेल पर हैं, लेकिन जैसा हर केस में होता है कि बेल पर रहने के बाद भी आपको ट्रायल फेस करना होगा। ये मामला पूरा चल रहा है शराब पॉलिसी का, जिसमें वो एक्यूज हैं